सर्दियों के मौसम में कफ कोल्ड से कैसे बचा जाए? जी, मौसम ही ऐसा होता है कि कफ कोल्ड होने के चांस तो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, इसका मतलब यह है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर है। ऐसे में ठंड तो ज्यादा लगती है, साथ में ही गले के संक्रमण या फिर आपको सर्दी जुकाम बार बार होता है। जिन लोगों की कफ प्रकृति होती है वह असंतुलित होने लगती है, या फिर थोड़ा सा भी कफ वाली ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है और आपने खाया उसके बाद आपको सर्दी जुकाम एलर्जी या किसी प्रकार का गले के अंदर संक्रमण होता है तो ये आम समस्या होती है। सर्दी के मौसम में इस प्रकार के संक्रमण होने पर बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। लेकिन हाँ, हम सर्दी के मौसम में फिर भी ऐसी गर्म पेय पदार्थ लेकर के और सर्दी जुकाम को बिल्कुल सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप चाहे तो उनको भी एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखा करें ताकि जिससे लोगों को आसानी रहे उन उपायों को करने में। अगर कोई भी व्यक्ति उपाय करता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देखता है कि किसी का फीडबैक आया है क्या, कि उससे उसको क्या फायदा हुआ है। अगर वो फीडबैक देखता है और उसको कुछ आराम मिलता है तो वह भी उन उपायों को जल्दी करते हैं और उनको भी जल्दी से आराम मिल सकता है। आज जिस रेमेडी की बात मैं करूंगी उसे सर्दी के मौसम चार धागों का प्रयोग अगर आपने कर लिया तो आपकी पूरी सर्दियां काफी अच्छी निकलती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग रहता है और कोल्ड कफ से आप बिल्कुल बच सकते हैं। अगर बच्चों को भी इस प्रकार का संक्रमण होता है तो ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं। रेमेडी बहुत ही आसान है, यानी कि केसर की बात मैं कर रही हूँ। केसर जिसको कि सेफ्रोन भी बोला जाता है, ये बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अगर आपके पेट संबंधी कई सारी बीमारियां होती है तो उसको ठीक करता है, स्किन संबंधी अगर आपको किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसको बिल्कुल सही करता है, और अगर आपको बहुत ज्यादा कोल्ड कफ होता है, फेफड़ों के अंदर पूरी तरह से कफ बलगम भर चुका होता है, गले के अंदर बहुत ज्यादा बलगम जमा होने लगता है तो ये उसको बिल्कुल मेल्ट करता है। केसर का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए? सर्दी जुकाम से तो आप बच सके, लेकिन आपका कफ जो है वो बिल्कुल बाहर निकल जाए, आपको सीना भारी ना हो, आपको और कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आप क्या करें, सर्दियों के मौसम के अंदर इसका प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। ये आपकी गर्माहट देगा, ठंड से आपकी मदद करेगा, फीवर फ्लू इस तरह के कोई भी संक्रमण नहीं होंगे। आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद अच्छे से पानी बॉईल कर लेना है और गैस को बंद कर देना है। फिर केसर के चार धागे आपको लेने हैं और उसे पानी के अंदर ऐसे ही डाल देना है, यानी केसर को पानी के अंदर बॉईल नहीं करना है, सिर्फ पानी को ही आपको बॉईल करके इसे छोड़ देना है और उसमें केसर के धागे डाल देने हैं। जब पानी गुनगुना हो जाए, पीने लायक रह जाए, तब आप उसको छान करके और फिर उसे धीरे धीरे आराम से पीजिए। ये रात को सोते समय अगर आप पीते हैं तो आपको नींद काफी अच्छी आती है, तनाव बिल्कुल नहीं रहता। अगर आपको बहुत ज्यादा थकावट लगती है, शरीर के अंदर दर्द महसूस होते हैं, कमजोरी रहती है, तो वह बिल्कुल सही होने लगती है। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इससे गर्माहट मिलेगी और थ्रोट इन्फेक्शन भी बिल्कुल सही होंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम लगता है, जैसे कि नाक बहुत ज्यादा बहती है, छींके बहुत ज्यादा आती है, किसी प्रकार की एलर्जी है, इसका पानी पीने से वह भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। केसर हार्मोन्स को बैलेंस करती है और हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करती है। अगर किसी का भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा वीक होती है तो सर्दी जुकाम तो उनको बहुत ज्यादा होते हैं, एलर्जी होने लगती है, बुखार आने लगता है और शरीर के अंदर कमजोरी रहती है, लेकिन ये सब पर काम करता है, इसीलिए केसर का प्रयोग सर्दी के अंदर काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कोल्ड कफ बहुत ज्यादा होता है, कफ जमा होने लगता है या फिर गले के अंदर खांसी के साथ में बलगम निकलता है, तो एक बार आप केसर का पानी पीना शुरू करें। इसको आप लगातार 8-10 दिन तक पी सकते हैं, जिससे कि आपका सर्दियों के मौसम में कोल्ड कफ बिल्कुल नहीं होएगा। और अगर बच्चों को इस प्रकार का संक्रमण रहता है तो छोटे बच्चे जैसे बहुत ज्यादा है तो उनको आधा छोटा चम्मच दे सकते हैं, या फिर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको आप आधा कप पानी इस तरह से पिला सकते हैं गुनगुना, जिससे कि उनका कफ बलगम जितना भी जमा होगा वह बिल्कुल सही होगा। कफ बलगम जमने पर और बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है, जैसे सीना बहुत ज्यादा भारी रहता है, गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है और भी बहुत ज्यादा तकलीफें महसूस होती है। तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे सर्दी के मौसम में तो ये आपकी चार धागियों का पानी बनाकर अगर आपने लिया तो आपकी सर्दियां काफी अच्छी निकलेगी। अपने हमेशा कुछ परहेज जरूर रखें। अगर आपको सर्दी जुकाम बार बार लगता है तो आपको शरीर को पूरी तरह से कवर करके रखना चाहिए, शरीर पर मसाज करनी चाहिए, मालिश करने से शरीर में गर्माहट रहती है। आपको ऐसे गर्म पेय पदार्थ लेने चाहिए, जैसे कि सूप हो गया, गर्म खिचड़ी हो गई, इस तरह से बनाकर भी अगर आप लेते हैं तो शरीर में गर्माहट रहती है। ठंड से आपको बचना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ठंड ना लगे और आपको सर्दी जुकाम का संक्रमण ना हो।
ऐसे मौसम के अंदर आप गुनगुने पानी का सेवन भी करते हैं तो आपके शरीर में काफी ज्यादा एनर्जी रहती है। केसर का पानी पीने से शरीर के अंदर एनर्जी भी आएगी, तो अगर आप उसे पीना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी त्वचा बिल्कुल काफी ज्यादा खिली खिली से रहने लग गई है। अगर आपको त्वचा संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपके खून के अंदर अशुद्धता आई होगी तो वह भी बिल्कुल सही होने लगेगी। तो ये काफी सारी बीमारियों पर मदद करता है। कोल्ड कप से अगर आपको बचना है और पूरी सर्दियां काफी अच्छी निकालनी है तो केसर का पानी का सेवन आप कर सकते हैं। अगर जानकारी कुछ यूजफुल रही है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।